हेडलाइन पर, शेविंग करके पैसे मांगना पड़ा भारी, आरोपी ने उंगली चबाकर कर दी अलग। किसानों ने मांगा फल सब्जी और दूध का समर्थन मूल्य, शमी की बड़ी मुश्किलें, पुलिस ने कोर्ट में दायर की चार्जशीट। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली पश्चिमी के मोदी नगर इलाके में एक नाई को शेविंग करके पैसे मांगना पड़ गया भारी। आरोपी ने पैसे मांगने पर झगड़ा किया और पीड़ित की उंगली ही अपने दांतों से काट डाली और कर दी अलग। सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर रही। किसान समन्वय समिति ने 18 सूत्रीय मांग पत्र पार्टियों को सौंपा। किसानों ने मांगा फल सब्जी और दूध का समर्थन मूल्य, दलों से आग्रह, चुनावी घोषणा पत्र में लागत का 1.5 गुना MSP शामिल करे। भारतीय अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने लोकसभा चुनाव में उतर रही राजनीतिक पार्टियों से अपने चुनावों का घोषणा पत्र में दूध, फल और सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है, जहां शामिल करने की अपील की है। उनका कहना है कि स्वामीनाथन समिति ने इस बारे में अपने सुझाव दिए हैं। किसान प्रतिनिधियों ने एक बार फिर से राजनीतिक दलों से किसानों के ऋण माफ करने की मांग उठाने की अपील की है, साथ ही जिसमें भारतीय किसान यूनियन कर्नाटक, राज्य रायता संघ तमिलंगा, विवा सेयांगल संघ आदिवासी गोत्र महासभा और दक्षिण भारत के कई और संगठन शामिल है। शमी की बड़ी मुश्किलें, पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने अलीपुर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। शमी पर दंड संहिता की धारा 498A दहेज उत्पीड़न और 354A यौन उत्पीड़न के तहत आरोप लगाए गए हैं। शमी की पत्नी हसीन जहां ने उन पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और मैच फिक्सिंग के ऐसे आरोप लगाए हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्रेस रो से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।